खबर जोधपुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां नामांकन से पहले रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पावटा चौराहे पर चुनावी सभा आयोजित होगी। सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी साथ ही मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत। पावटा चौराहे पर चुनावी सभा आयोजित होनी है, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, और उसके बाद अब पावटा चौराहे पर उनकी जनसभा आयोजित होनी है, जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि जोधपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी है वैभव गहलोत, और उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसी के चलते नामांकन से पहले रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, और इसके बाद पावटा चौराहे पर उनकी चुनावी सभा आयोजित होनी है, जिसको संबोधित करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और साथ ही उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब नामांकन का दौर भी लगातार जारी है, और इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी जोधपुर सीट से वैभव गहलोत ने भी नामांकन अब दाखिल कर दिया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दयाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दयाल, बताएं, वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया। जी दयाल बताएं। देखिए ललिता, बताना चाहूंगा कि वैभव गहलोत ने अभी नामांकन अपना जमा करा दिया है, और इनके साथ जो है नामांकन के लिए आए जोधपुर के जो कांग्रेस के जीते हुए एमएलए हैं, उसमें कौशिक विधायक दिव्या मदेड़ा, लूणी के विधायक महेंद्र बिश्नोई, और साथ ही दो विधायक और थे जो यहाँ बार सभा में बैठे थे, और साथ ही जो जीडीएस चेयरमैन पूर्व चेयरमैन है राजेंद्र सोलंकी, नेता नगर निगम प्रतिपक्ष के, वो भी साथ में थे, और साथ ही जो जसवंत सिंह कछुआ है मुख्यमंत्री के भांजे, वो भी साथ में थे। उन्होंने पूरा ये नामांकन भरवाया, और साथ ही जो वैभव गहलोत ने शपथ लेते हुए अपना नामांकन कलेक्टर के सामने निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किया, और उसके बाद जो है पावटा स्थित अपनी मीटिंग में आ गए हैं। अभी यहाँ मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही जो एमएलए है उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लुणी के विधायक महेंद्र विष्णु ने भी संबोधित किया, और साथ ही जो कोशिया के विधायक दिव्या मदेना है उसने भी लोगों को एकजुट होकर एक जाजम पर आकर चुनाव लड़ने की बात कही और वैभव गहलोत को जीत दिलाने की बात कही। जी दयाल, रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, तो उसमें लोगों का कैसा उत्साह देखने को मिला? निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि उत्साह लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा है। मुख्यमंत्री के पुत्र जो है वो एक बार जनता की मांग पर टिकट लेके आया है, और वो जनता की मांग पर इस बार जो है जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। दयाल, पावटा चौराहे पर जो चुनावी सभा होनी है, उसके लिए क्या अपडेट, कितनी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, थोड़ी देर में जो है आधा से पौन घंटे में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री का ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं जोधपुर और ये सभा शुरू होती है, तब से इस सभा में लोगों में बड़ा जोश आ जाएगा। जी दयाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दयाल, जो फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ। एक बार आपको फिर से बता दें, आज जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और इसी के मद्देनजर अब जनसभा होने वाली है पावटा चौराहे पर, जिसको संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी संभावना है आधे से पौन घंटे में इस जनसभा में पहुंचने की।
चलिए एक बार आपको फिर से बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी हैं जोधपुर सीट से वैभव गहलोत, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उससे पहले रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला और साथ ही इसके चलते पावटा चौराहे पर एक चुनावी सभा रखी गई है जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं और ये संभावना है कि वो आधे से पौन घंटे में इस जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच जाएंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी इस जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं। पांडे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आज मौजूद रहने वाले हैं। वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर सीट से और आखिरकार आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और इसी के मद्देनजर पावटा चौराहे पर उनकी एक चुनावी सभा रखी गई है जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं।